Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. And welcome to my channel, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं. आज मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ because I have something new to experiment today. मैं गई थी Zudio Beauty के dedicated store में. अगर आपको नहीं पता, Zudio Beauty का एक proper store खुल चुका है जहाँ पे आपको सब कुछ beauty, makeup, अब तो उन्होंने बहुत variety बढ़ा दिया है. वो dedicated store है जहाँ पे आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, खाली beauty products मिलेंगे और literally it feels like Sephora का budget version. मैं अभी वहाँ पे गई थी, मैंने पूरा store tour जो है अपने Instagram ऑलरेडी डाल दिया है. सो जस्ट इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर, प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी देयर एज वेल. आपको पूरा वहां पे एक मिनी स्टोर टूर देखने को मिल जाएगा. द स्टोर इज एग्जैक्टली इन गुरुग्राम रीच करके पूरा एरिया है, वहां पर है ये. मैं एग्जैक्ट एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आई एम नॉट रियली श्योर कि दिल्ली में Zudio Beauty के स्टोर्स खुले हैं फिर नहीं खुले. फेस, आईज, लिप्स, काफी कुछ मैंने लिया है. सो आज मैं एक हॉल भी दिखाऊंगी बट एट द सेम टाइम ट्राई भी करने वाली हूँ. तो एक मिनी रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड आई ट्राई बेस्ट की कोई लुक क्रिएट कर पाऊँ. अभी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ. सो विल बी क्रिएटिंग अ लुक यूजिंग just Zudio Beauty makeup. So yeah, without any further ado, let's get started. उससे पहले आपको पता आपको क्या हिट करना है, you have to hit the subscribe button and the like button as well, because मुझे पता आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है. और स्टोर टूर के लिए Instagram पे फॉलो कर लेना. एंड नाउ लेट्स गो. थोड़ा पास आ गए हैं बिकॉज अब हमारा फोकस होने वाला है प्योरली इनकी क्वालिटी और कैसी लुक निकल के आती है. सबसे पहला आइटम तो मैं लगा ही लेती हूँ बिकॉज मैंने स्पेसिफिकली इसलिए खरीदा था. आजकल बड़ा देखा है मैंने Instagram पर, YouTube पर भी बहुत लोग स्किन केयर मेकअप करते हैं. सो Zudio Beauty के स्टोर में इसके दो ऑप्शन थे. एक था इसका पिंक कलर जो एकदम बारबी पिंक लाइट पिंक कलर था, और ये ब्लैक. मुझे ब्लैक ही लेना था बिकॉज एक तरह से मर्ज हो जाता है. सो दिस वन कॉस्टेड मी फॉर ₹99 एंड ये है Zudio का बबल मेकअप हेयर बैंड, इसका नाम भी यही है. सो सर इसको ट्राई करके देखते हैं. आई लव हाउ दिस इज कम्फर्टेबल. कुछ कुछ हेडबैंड जैसे सर पे लगाते हैं ऐसे सर दर्द होता है ना, बट दिस वन फील्स नाइस एंड कम्फी. और फेस पे बाल भी नहीं आएंगे, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज तुम ही सब कहते हो कि फेस पे बाल आते रहते हैं, बाल हटाते रहते हो, इरिटेशन होती है थोड़ी बहुत, तो देखो आते ही रहते हैं. बट या नाउ वी आर हेयर फ्री फ्रॉम आर फेस. अब स्टार्ट करते हैं मेकअप के साथ. स्किन केयर एंड ऑल मैंने पहले ही कर लिया था. सो स्टार्टिंग विद स्टेप नाउ वन ऑफ मेकअप विच इज अ गुड प्राइमर. प्राइमर मुझे स्पेसिफिकली Zudio Beauty के स्टोर में नहीं दिखा, मुझे काफी यूनिक चीज दिखी. जब मैंने इसको सर्च किया मैं समझ गई थी इसकी थोड़ी सी प्राइमर वाली फील, बट ये काफी अच्छा इन्होंने ट्रैवल वर्जन में बनाया है. ये है Zudio का ग्लो अप ब्लर स्टिक विद नायसिनमाइड, मतलब खाली लिखा है ब्लर स्टिक नायसिनमाइड, जो काफी वियर्ड चीज है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. जब मैंने इसको सर्च किया ना, इसका काफी अच्छा, जैसे हम सिलिकॉनी कुछ प्राइमर लगाते हैं ना, आजकल काफी सारी मार्केट में स्टिक्स भी प्राइमर की आई हुई है. क्या सिंपली उसको ऐसे प्राइमर की तरह लगा लो. बाय द वे द प्राइस ऑफ दिस वन इज ₹199. मैं सबके प्राइसेस भी आपको बता ही देती हूँ. काफी अफोर्डेबल थे सब कुछ, मतलब ठीक ठीक रेट पे था. वी हैव अ लिड एज वेल व्हिच इज quite good. And once you open it, मैं एक बार पूरी क्वान्टिटी दिखा देती हूँ कि 199 में आपको इतनी क्वान्टिटी मिल रही है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट्स लाइक अ कम्प्लीट वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट. तो मैं इसको स्वाइप करने वाली हूँ एंड फर्स्ट आई एम गोना फोकस ऑन माई पोर एरियाज, जहाँ पे मुझे पता है जहाँ पे एक्ने का मेरे को स्कारिंग थोड़ी ज़्यादा है. यहाँ पे लाइक नोज पे पोर्स बहुत ज़्यादा है. एंड इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा. इसमें कुछ स्किन टाइप कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें खाली लिखा है ब्लर स्टिक नायसिनमाइड, दैट्स इट. ब्लेंडिंग की जहाँ तक बात की जाती है, ब्लेंड थोड़ा बहुत ये हो रहा है बट इट्स नॉट दैट पोर मिनिमाइजिंग. जैसे मैं प्रॉपर सिलिकॉन वाले प्राइमर आते हैं ना उनकी बात करूँ, वो तो काफ़ी अच्छे से पोर्स को मिनिमाइज करते हैं, हमारा फेस एकदम स्मूथ फील होता है. इसके साथ वैसा कुछ फील नहीं हो रहा. सो ऑन द गो यूज़ करने के लिए ठीक ठाक प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रॉपर एक प्राइमर का तो काम बिल्कुल नहीं कर रहा है. इट्स टाइम फॉर बेस मेकअप नाउ. मैंने दो प्रोडक्ट्स पिकअप करे हैं. इनका एक स्टिक वाला फाउंडेशन भी था, मैंने वो नहीं लिया बिकॉज जब मैंने उसको सॉच किया मुझे बहुत ज़्यादा हैवी हैवी वो फील हुआ. आई हैव एक्ने प्रोन स्किन, मैं जितना थिक हैवी फाउंडेशन लगाती हूँ उतने ज़्यादा मेरा टेक्स्चर जो है वो शो अप होते हैं. सो मैंने पिक किया है इनका कंसीलर जो कुछ इस तरह से दिखता है. कंसीलर में भी तीन चार शेड्स थे विच वर लाइक डिसेंट इनफ, जो मुझे क्लोज लग रहा था मैंने वो वाला पिक किया. और सेकंड मैंने लिया है Zudio का ग्लो अप विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड स्किन टिंट, जो आता है SPF 50 PA++. सो कहीं ना कहीं सनस्क्रीन विद स्किन टिंट है. तो ज़रा कंसीलर पहले ट्राई करके देखते हैं. मैं कंसीलर को एज अ कलर करेक्टर यूज़ करूँगी और उसके ऊपर स्किन टिंट लगा लूँगी. ये ब्लर स्टिक ने मेरा फेस तो कुछ ब्लर नहीं किया, लेकिन मेरे हाथ जरूर ब्लर कर दिए. कंसीलर नहीं खुल रहा है बिकॉज स्लिप कर रहे हैं मेरे हाथ. एंड दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. ये शेड काफ़ी मुझे क्लोज लगा मेरी शेड से, तो मैंने पिकअप कर लिया. दोनों यूज़ ऑन माई अंडर आइज, और जो थोड़े बहुत मेरे एक्ने मार्क्स हैं वो मैं इससे कंसील कर लूँगी. I think I can use it as a corrector as well because इसमें एक हल्की सी ऑरेंज अंडरटोन है. Zudio के स्टोर में मुझे कोई भी ब्रशेज नहीं दिखे, विच इज सैड बिकॉज ब्रशेज काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल होते हैं. जैसे मिनीसो में काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रशेज मिलते हैं ना, आई एक्सपेक्ट कि Zudio Beauty में भी ऐसे ब्रशेज मिले, बट चलो कोई नहीं, नई नई ब्रांड है थोड़ा सा उनको भी चांस देते हैं. सो मैं अपना ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ. ये ब्रश काफ़ी अच्छा है बाय द वे. इसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा मैं अपने Amazon का जो लिंक है नीचे दे दूँगी, बिकॉज मैंने Amazon से लिए थे. दीज आर लाइक वेरी गुड क्वालिटी यार, काफ़ी सुपीरियर एंड प्रीमियम ये ब्रशेज
फील होते हैं. सो जो कवरेज है वो ठीक ठाक आई है, इतनी कोई फुल कवरेज नहीं आई. जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा सा स्किन में एकदम मर्ज हो रहा है. सो ये फुल कवरेज कंसीलर तो नहीं है, विच इज़ ऑब्वियस. 199 में मैं फुल कवरेज कंसीलर तो एक्सपेक्ट नहीं करती. बट द बेस्ट पार्ट इज इसने थोड़े बहुत जो मेरे एक्ने मार्क्स हैं, जो भी अंडर आई डार्कनेस थी, उसको काफ़ी अच्छे से न्यूट्रलाइज कर दिया, विच इज़ गुड. For the quality and the pricing, I think it's not bad. Hey, glow up vitamin C with hyaluronic acid. Isme skin tint isko iska naam inhone diya hua hai. SPF 50 hai, which is quite good. Aur isme shades hi nahi the. Matlab ajeeb se shade likhe hue the. Maine wahan pe jo helper tha unse pucha ki isme shades kya hai. They said ye 1, 2, 3 aise compartment hai. Aap apne aap dekh lo. Unhone bataya hai nahi ki name kahan pe likha hai. Maine us time har jagah dekha, inpe name nahi dikhe. Aur jab maine ghar aake dekha, tab dekha ki yahan barcode pe name likha hua hai. So the shade that I have picked up is this particular shade. Is shade ka naam hai Praline, I think Praline, if I'm not wrong. Dekhte hain iski consistency kaisi hai. Ooh, it feels like a foundation only, but SPF 50 isme hona hai. Quite a good thing. मैं जितनी भी अब तक मैंने BB CC क्रीम जैसे देखे हैं वो या तो SPF 20, 30 मैक्सिमम होती है. इसमें SPF 50 है, विच इज़ नॉट बैड. दो आपको ऐसी SPF पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज सनस्क्रीन टू फिंगर रूल के हिसाब से लगाई जाती है, और फाउंडेशन आप इतना तो ऑफकोर्स नहीं लगाओगे. सो स्टिल SPF लगानी चाहिए. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. ये डार्क क्यों लग रहा है? काफ़ी ऑरेंजिश फील हो रहा है. मैं हर बार गलत शेड उठा के ले आती हूँ यार. बाय कशिका बाय. चलो थोड़ा सा ब्लेंड करके देखते हैं. सो मैं जस्ट अभी चेक कर रही थी कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, बिकॉज मुझे इंग्रेडिएंट्स स्टडी करना बहुत पसंद है. एंड द सैड पार्ट इज इस पे इंग्रेडिएंट्स लिखे ही नहीं हुए. इन्होंने खाली अपना मेन इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, हाउ टू यूज, प्रिकॉशन, मार्केटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग, नीचे ईमेल आईडी एंड डिटेल्स, और सबसे नीचे लिखा है पैराबेन फ्री, वीगन, क्रुएल्टी फ्री, दैट्स इट. तो उसमें स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है. और मैंने एक दो प्रोडक्ट्स और चेक करे हैं, उन पर भी इंग्रेडिएंट लिस्ट, या आई के प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट लिस्ट है जो मैंने आईज के प्रोडक्ट लिए हैं. लेकिन ये जो फेस का प्रोडक्ट है, लाइक ये मैंने हाईलाइटर शिमस्टिक लिया है, इस पे भी वो इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, विच इज बैड. बेस प्रोडक्ट्स पे भी इंग्रेडिएंट देने चाहिए आपको, बिकॉज हक बनता है यार कंज्यूमर का कि हम क्या यूज कर रहे हैं अपने फेस पे, उसमें क्या क्या डला हुआ है. मुझे तो स्पेसिफिकली बहुत शौक है ऐसे पढ़ने का. सो यार दिस इज समथिंग बैड अबाउट द बेस प्रोडक्ट्स यू कैन से. बट ओवरऑल आई थिंक द स्किन टिंट इज नाइस. मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, मैं कुछ लगाती हूँ मुझे पता चल जाता है कि बर्निंग सेंसेशन है, नहीं सूट कर रहा. बट आई थिंक दिस इज सूटिंग माई स्किन, और इसको मैं एवरीडे बेसिस पर यूज़ कर सकती हूँ. बहुत हल्की कवरेज है, थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स मेरे कवर हो गए, और थोड़ी बहुत SPF भी है इसमें. सो ये तो मैं आई थिंक जिम जाने के टाइम भी यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज मैं टिंटेड सनस्क्रीन लगा के ही जाती हूँ जिम में. स्टिल इफ यू आस्क मी दोनों में से क्या लेना चाहिए, आई वुड से स्किन टिंट, बिकॉज कंसीलर्स आपको और अच्छी कवरेज में दूसरे ब्रांड से मिल पाएंगे. लेकिन ऐसा स्किन टिंट जो 199 में आता हो, क्वांटिटी इतनी अच्छी आती हो, इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, इसके अलावा तो मुझे पता नहीं इसमें क्या डाला हुआ है, बिकॉज उन्होंने लिखे नहीं हुए. बट SPF 50 विद अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज, नॉट एट ऑल बैड. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. दिस इज a must buy from my side. Let's move on to eye makeup now. मैंने तीन products pick up करे हैं, तीनों मुझे काफी exciting लगे. सबसे पहले जो मैंने काजल और आई शेडो में लिया है, आई शेडो पैलेट्स मुझे वहाँ पे नहीं दिखे, वहाँ पे ऐसे आई शेडो के आपको स्टिक्स मिल रही थी. सो जूडियो में जितना भी जूडियो ब्यूटी में मेकअप था ना, वो काफी ट्रैवल फ्रेंडली था. कुछ भी ऐसा नहीं था जो बड़ी बड़े पैकेजिंग में हो, हर चीज़ ऐसे स्टिक फॉर्म में थी. तो मुझे दिखा ये जूडियो का ग्लैम ग्लाइड आई शेडो क्रियॉन इनरिच्ड विद विटामिन ई, और इसमें प्रॉपर इंग्रीडियंट लिस्ट है. इन्होंने पूरी इंग्रीडियंट लिस्ट मेंशन करी है, विच इज गुड. आई मेकअप में मेंशनड है. मैंने शेड लिया है इसमें कॉपर, इसमें एक गोल्डन शेड भी था, एक थोड़ा सा सिल्वरिश शेड भी था, बट मैंने कॉपर शेड लिया, बिकॉज आई फेल्ट लाइक ये सारे अभी जो फंक्शंस आ रहे हैं, दिवाली, कुछ पार्टी में जाना हो, अगर जल्दी जल्दी मेकअप कर रहे हो, आई शेडो लगाने का टाइम नहीं है, तो मुझे ऐसी स्टिक्स अच्छी लगती है. बहुत पहले मुझे ऐसी स्टिक किसी और ब्रांड की फैब बैग में रिसीव हुई थी, और मैंने बहुत यूज़ करी थी. वो सैडली रिसेंटली एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने फेंक दी थी. सो मुझे सिमिलर ये लगी, तो मैंने पिकअप कर ली. द MRP ऑफ दिस वन इज 199. द शेड इज कॉपर बाय द वे. सो इसको इट्स रिट्रैक्टेबल, नाइस. सो काफ़ी अच्छी रिट्रैक्टेबल है ये, और अगर मैं फुल क्वांटिटी देखूँ, दिस इज़ हाउ मच क्वांटिटी यू गेट, विच इज़ सैड. मतलब अब तक जूडियो ब्यूटी की मुझे क्वांटिटी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लग रही है. ये तो चलो टिंट है, तो लिक्विड आपको अच्छी क्वांटिटी का मिल रहा है, बट कंसीलर बहुत पतला है. जो स्टिक्स है वो बहुत कम क्वांटिटी की, और आई शेडो भी आप देख सकते हो ज़्यादा इतनी क्वांटिटी की नहीं है. यू कैन यूज़ इट एज जस्ट एज अ लाइनर टू, बिकॉज ये अभी शार्प है, थोड़ा यूज़ कर करके थोड़ा ब्लंट हो जाएगा, अभी थोड़ा शार्प है. तो आप इसको ऐसे भी इतना यूज़ कर सकते हो, अगर आपको एक थिन लाइन दिखानी है जो काफ़ी नेचुरल लगती है. बट अगर आप प्रॉपर पार्टी मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो, आई थिंक दिस इज़ इट्स नाइस. अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है ना, डू ग्रैब दिस कॉपर शेड. थोड़ा स्टिकी स्टिकी है, थोड़ा चिपचिप है, बट या इट्स नाइस. आई लव द शेड. लेट मी जूम इन मोर एंड शो यू गाइज. नाइस, माई कैमरा इज़ गुड. कैन यू सी? बिल्कुल भी इसके वो चंकी वाले पार्टिकल्स नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहा है.
एंड नाइस आई लाइक इट फॉर बिगिनर्स ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये आप डेफिनेटली ले सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट द काजल नाउ. बहुत अच्छे शेड्स अवेलेबल थे वहाँ पे. ब्लैक था, ब्राउन, आई थिंक एक और एक टर्कवाइज जैसा कलर का शेड था, लेकिन मैंने पिक किया है ये शिमर एक्वा जो कुछ इस तरह से दिखता है. बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा डेनिम्स पहनती हूँ, मेरे डेनिम्स के साथ ना ऐसे वाले काजल काफ़ी अच्छे से मैच हो जाते हैं. एंड इसमें भी प्रॉपर आपको इंग्रीडियंट लिस्ट मिल रही है विच इज़ गुड. एंड द प्राइस ऑफ दिस वन इज 79 rupees विच इज़ नॉट बैड. अब तक हमने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें सबसे सस्ता प्रोडक्ट है 79. एक बार ज़रा स्वॉच करके देखते हैं. Ooh, it's nice. This is more like a shimmery blue color. ये मेरे वेस्टर्न आउटफिट में नहीं जाने वाला बिकॉज ये काफ़ी शाइनी है, बट ये डेफिनेटली इंडियन आउटफिट में जाएगा. मेरे पास ऐसे कलर का गाउन है, तो अगर मैं कभी फ्यूचर में ऐसा गाउन पहनूंगी ना ये वाला, आई कैन अप्लाई इट एंड स्मज इट. बिल्कुल बिगिनर्स की तरह ही अप्लाई करने वाली हूँ. ग्लाइड तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है. नाइस. अभी कोई लुक नहीं बन रही बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने बहुत रैंडम प्रोडक्ट्स लिए हैं, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाइस. ग्लाइड तो ये काफ़ी अच्छे से हो रहा है. आप इसको खाली ऐसे भी छोड़ सकते हो. ये आई शेडो को इग्नोर करो, बेस वाली. अगर मैं इसको खाली भी ऐसे लगाऊंगी ना तो ये अच्छा लगेगा. इसको ज़रा स्मच करके देखते हैं बिकॉज मुझे स्मच्ड वाली लुक इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है. स्मच तो ये हो रहा है, बट जैसे जैसे स्मच हो रहा है ना इसका कलर बिल्कुल लूज आउट होता जा रहा है. तो ये क्लियरली इतना पिगमेंटेड नहीं है. आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसका कलर अब गायब हो चुका है. जैसे जैसे मैं इसको स्मच कर रही हूँ ये गायब ही हो गया है. स्मच करने के बाद तो ये लिटरली गायब ही हो गया है. सो ये स्मच करके तो चलेगा नहीं, बट इसको अगर आप खाली एज अ लाइनर यूज करोगे देन इट डेफिनेटली वर्क्स. लेफ्ट वाला इतना स्मच कर दिया कि मेरी आई शेडो भी उड़ चुकी है. यहाँ की आई शेडो फिर भी आपको थोड़ी बहुत विजिबल है, बट चलो कोई नहीं, हमको लुक तो बना दी है. अब खाली हम रिव्यू पे ही फोकस करते हैं. नाउ कमिंग टू मस्कारा, काफी अच्छी वैरायटी थी वहाँ पे मस्कारा की. लेंथनिंग, वॉल्यूमनाइजिंग, देन एक था लेंथनिंग एंड वॉल्यूमनाइजिंग बोथ, बट मैंने लिया है इनका लेंथनिंग मस्कारा बिकॉज मुझे एक्सट्रीमली वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा नहीं पसंद. हैवी हो जाती है लैशेज. मुझे डेली बेसिस वाला लाइट मेकअप करना पसंद है. सो ये लेंथ देगा, वॉल्यूम नहीं देगा. ये ज़ूडियो का 199 rupees का ब्लैक लेंथनिंग मस्कारा. एंड नाउ लेट्स ट्राई इट आउट. इसमें भी इन्होंने प्रॉपर इंग्रीडियंट लिस्ट मेंशन करी है विच इज़ गुड. आईज की इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स में इंग्रीडियंट लिस्ट मेंशन करी है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द बेस प्रोडक्ट. जो मेन फेस पे जा रहा है उसमें इन्होंने इंग्रीडियंट्स ही डाले. सो यार दिस इज द पैकेजिंग लुक्स लाइक. ये कोई एक ब्रांड है जिसकी ऐसे सिल्वर पैकेजिंग आती है. आई डोंट रिमेम्बर कोई एक ब्रांड का मस्कारा बिल्कुल ऐसा सिल्वर पैकेजिंग में आता है. ये बिल्कुल वैसा लग रहा है, इसका वेट ही नहीं है कुछ, काफ़ी हल्की पैकेजिंग है. इट इज़ नाइस. इसके बिल्कुल वो कोलोसल मस्कारा आता है ना मेबलिन का, बिल्कुल वैसी शेप है विच इज़ गुड. लैशेज है ही नहीं, मतलब गायब लैशेज हैं, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. बट स्टिल वी ट्राई. मस्कारा इज नाइस. इट्स नॉट क्लम्पी, हैवी नहीं फील हो रहा, और डेफिनेटली मेरी लैशेज को काफ़ी अच्छी लेंथ मिली. आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट बिकॉज मेरी लैशेज इतनी है नहीं, बट या काफ़ी अच्छी इसने लेंथ प्रोवाइड करी है. एंड इट लुक्स नाइस. डेली बेसिस के लिए अगर कुछ आप नेचुरल देख रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा है. आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद द मस्कारा. काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लेंथ मिली है मेरी लैशेज को, और बिल्कुल भी ऐसे हैवी क्लम्पी फील नहीं हो रहा. 199 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है. आई प्रोडक्ट्स की अगर ओवरऑल बात की जाए, आई शेडो स्टिक मुझे बहुत अच्छी लगी. वेरी इजी टू यूज़ एंड वेरी हैंडी. चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है. काजल पिगमेंटेड नहीं है, बट आप इसको खाली एज अ लाइनर यूज़ करोगे देन इट वर्क्स. बट आई थिंक ये फिर भी बहुत जल्दी उड़ जाएगा बिकॉज ये पिगमेंटेड नहीं है, और स्मच भी बहुत जल्दी हो रहा है. इट इज़ नॉट स्मच प्रूफ. सो अगर आपको हल्के फुल्के एक दो घंटे के लिए लगाना है जस्ट एज अ लाइनर, देन यू कैन grab it, but otherwise it's not pigmented. Now let's talk about blush. मुझे Zudio Beauty में एक भी blush अच्छा नहीं लगा, बहुत loud shades थे, तो मैंने instead of that उनका एक blush stick में से highlighter pick up कर लिया. And this one is a Zudio Beauty Cheeky Shine Highlighter. And this one is again for 199. So जरा इसको खोल के देखते हैं. वैसे ही packaging में आता है. And let me just see. इसमें भी तीन shades available थे. एक था बिल्कुल silver, एक था बिल्कुल tan look में, और एक goldenish shade था जो मुझे अच्छा लगा. इसका भी बिल्कुल वैसा आई शेडो वाला ही shade लग रहा है. इट एक्चुअली फील्स लाइक सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट पैकेजिंग. सो ये हाइलाइटर है, तो मैंने गोल्डन टोन में लिया बिकॉज इंडियन जितने भी मेकअप होते हैं वो थोड़े से गोल्डन टोन में अच्छे लगते हैं. सो लेट्स ट्राई इट आउट कैसा लगता है. द शेड इज नाइस बिकॉज बिल्कुल भी ऐसे लाउड नहीं फील हो रहा. ऐसे पैकेजिंग में लग रहा था वैसा तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा. तो बिल्कुल भी कोई चंकी ग्लिटर पार्टिकल नहीं है. मैंने कोई ब्यूटी फिल्टर कुछ नहीं लगाया हुआ. दिस इज माई रियल स्किन विदाउट एनी फिल्टर. सो यू कैन सी द टेक्स्चर एज वेल. इससे मेरा कोई भी स्किन का टेक्स्चर एनहांस नहीं हो रहा. एंड या इट्स नाइस. दिस वन इज डेफिनेटली गुड. मैं इसका शेड नेम बता देती हूँ. द नेम इज चीकी शाइन हाईलाइटर इन द शेड क्रेम गोल्ड.
सो दिस इज द वन. सो अगर आप अभी फेस्टिव लुक के लिए एक अच्छा हाइलाइटर देख रहे हो, आप ये डेफिनेटली पिक कर सकते हो. ऑनेस्टली ब्लश लगाने की कोई नीड भी नहीं है बिकॉज इस हाइलाइटर का काफी अच्छा एक ब्रॉन्जिंग इफेक्ट है विच लुक्स नाइस. नाउ कमिंग टू लिपस्टिक, लिपस्टिक में बहुत सारे ऑप्शन थे, लिक्विड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, क्रेयॉन लिपस्टिक और ये जो लिप क्रेम्स थे, लिप ऑयल्स, इसका तो पूरा एक सेक्शन था जहाँ पे पीएच लिप ऑयल, लिप क्रेम्स, देन टिंट्स बहुत सारे अवेलेबल थे. लिटरली आप वहाँ जाओगे ना कन्फ्यूज हो जाओगे. सो मैंने दोनों जो वहाँ पे सेक्शन थे वहाँ से एक एक चीज पिकअप करी है. सबसे पहले मैंने पिकअप किया है लिप क्रेम. आई एम इन द शेड सॉफ्ट ब्लूम PH01 एंड इसमें काफी सारे शेड्स अवेलेबल थे लेकिन मुझे काफी नेचुरल लगा. सो इट्स मोर लाइक अ लिप बाम लिपस्टिक सॉर्ट ऑफ थिंग, लाइक लिप क्रेम. एक क्रीम भी है लेकिन आपको एक नरिशमेंट भी देगी. एंड लेट्स जस्ट ट्राई इट, ये कैसा लगता है. इट्स वेरी क्रीमी, बहुत ज्यादा क्रीमी है एंड आई एम श्योर ये टिकने नहीं वाली बिकॉज जितना ओवर क्रीमी प्रोडक्ट होता है ना वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. एंड दिस इज आई थिंक वॉशिंग मी ऑफ, आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा वॉश ऑफ कर रही है. या दिस इज नॉट माई टोन, मेरी स्किन टोन हल्की सी वॉश ऑफ हो रही है. यू कैन सी इतना कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही बट इसको मैं काम चला लूँगी. मैं आजकल डार्क लिप लाइनर्स यूज करके ब्लेंड कर देती हूँ तो काफ़ी अच्छी एक लुक आती है. तो अभी बिना लिप लाइनर के बहुत अजीब लग रहा है, लाइट लग रहा है. मैंने जब सोच के मुझे काफ़ी अच्छा नेचुरल लगा बट आई डोंट नो, काफ़ी लाइट फील हो रहा है. मुझे एक दो शेड और डार्क लेना चाहिए था बट आई थिंक इफ़ यू आर वेरी फेयर देन डेफिनेटली ये जो ब्लूम शेड है सॉफ्ट ब्लूम यहाँ पे अच्छा लगेगा. सो हो चुका है. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग बट एज अ लिप बाम यूज करने के लिए ओके ओके प्रोडक्ट है. आई होप ये लिक्विड लिपस्टिक मैच कर जाए अच्छे से बिकॉज ये तो मैंने अच्छे से स्वॉच करके देखी थी बट लेट्स सी. यार लिप पे कलर अलग ही आता है बट आई थिंक इट लुक्स नाइस. या इट्स लाइक अ वेरी नाइस एवरीडे न्यूड सॉर्ट ऑफ कलर. अभी रिसेंटली किसी का कॉमेंट भी आता कुछ एवरीडे के लिए कुछ ऐसा न्यूड कलर बताओ. आई थिंक दिस इज वन यू कैन डेफिनेटली पिक. काफी अच्छा इसमें ऐसे चॉकलेटी चॉकलेटी फ्रेग्रेंस आ रही है विच फील्स नाइस. आई एम नॉट रियली श्योर ये मैट है ग्लॉसी है क्या है बिकॉज इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, खाली लिक्विड लिपस्टिक है दैट्स इट. ओके थोड़ी देर हो चुकी है एंड आई थिंक दिस इज अ मैट लिपस्टिक बिकॉज ये बिल्कुल भी अब ग्लॉसी फील नहीं हो रही. जरा इसका ट्रांसफर टेस्ट कर लेते हैं. हल्की सी ट्रांसफर हुई है, नॉट दैट मच लेकिन हल्की हल्की ट्रांसफर हुई है बट डेफिनेटली फील्स मैट बट ये बिल्कुल भी चापी फील नहीं हो रही विच इज गुड. मुझे बिल्कुल भी चापी चापी लिपस्टिक नहीं पसंद. सो या nice, I like it. This one is definitely nice. Is complete now. So this was my first impression of Zudio Beauty makeup. इसके अलावा मैंने दो items और pickup किए हैं. सबसे पहले मैंने लिया है Zudio का lip color remover wipes with tea tree. ये biodegradable wipes हैं. बहुत छोटू से tiny से packaging में आते हैं. The MRP of this one is 29 rupees, which is good. मैं काफी सारे lip swatches video बनाती हूँ ना तो मुझे ये चाहिए होते हैं so that I can just wipe off the lipstick. That's it. मुझे entire face wipe use करने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये काफी handy है. अगर आप भी काफी lipsticks लगाते हो, आपको खाली लिपस्टिक हटाना पसंद है तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई पिक्ड अप इज द Zudio जेल फिनिश नेल पेंट जो मैंने अभी लगाई भी हुई है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी प्रिटी पिंक न्यूड काइंड ऑफ कलर. द स्ट्रेंज पार्ट इज इनकी जो नॉर्मल Zudio की नेल पेंट है मैंने वो भी यूज करी है, वो भी 79 रुपीज की आती है. आई थॉट ये उनकी जो जेल वाली है थोड़ी सी महंगी होगी लेकिन ये भी 79 की आती है. सो आई वुड से गो फॉर द जेल वन बिकॉज जेल फिनिश एनी और थोड़ी सी बेटर होती है. दिस माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ट्राइंग Zudio ब्यूटी मेकअप इज ओवर. मैंने सारा सामान आपको दिखा दिया है. अगर आपको स्टोर टूर देखना आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड या इस पर्टिकुलर स्टोर का जो पूरा एड्रेस है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सैडली मैं प्रोडक्ट्स की लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकती बिकॉज Zudio ब्यूटी अभी ऑनलाइन कहीं अवेलेबल नहीं है. आपको इस स्टोर पे जाके ही लेना होगा बट डेफिनेटली लेट मी नो इसके अलावा मैं और क्या ट्राई करूँ. अगर आपने कुछ भी Zudio ब्यूटी में देखा है जो आपको लगता है आपको पहले रिव्यू चाहिए या फिर मैं ट्राई करके आपको बताऊँ मुझे जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना. इसके अलावा कुछ और ब्रांड्स है, कुछ रैंडम कोई प्रोडक्ट हो जो आप चाहते हो जिसका मैं रिव्यू करूँ वो भी मुझे आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल जस्ट इन केस यू आर न्यू हेयर. प्लीज टेक अ मोमेंट सब्सक्राइब एंड या दैट इज इट. बाय बाय.